दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है कि गांव बला के जो नहर का कार्य चल रहा है उसमें अजगर के होने की सूचना मिली है। सतीश फबड़ाना हमारे साथ हैं, मंजीत भी हमारे साथ हैं। कुछ ही देर बाद बहुत बड़ी न्यूज़ के साथ हम मिलेंगे और सभी जिन्होंने उसको देखा है वहाँ एक दहशत का माहौल बना हुआ है। तो उससे पहले आप इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असंध हलचल हरियाणा में। इस समय हम एक नदी है जो बला गांव के नज़दीक, उसमें यहां काम चल रहा है। सतीश फबड़ाना मौके पर पहुंचे हैं, क्या सूचना मिली है वो जानना चाहेंगे। क्या सूचना मिली है सर? भाई दोस्तों अजगर समझ रहे हैं लेकिन रसलवाई पर है, क्योंकि हमारे पास फोटो आ गया व्हाट्सएप पर और व्हाट्सएप पर और रसलवाई पर को हम समझते हैं जिस सांप के ऊपर मोटा सांप है, छल्ले होते हैं, बड़ा विषैला खतरनाक सांप है, उसको अजगर का छोटा अजगर समझ लेते हैं, लेकिन है वो वाइपर और ये नदी हमें पार करनी पड़ेगी और वो सामने ट्रैक्टर है, वो ट्राली है। अभी देखिए किस तरीके से जो ट्रैक्टर आपके सामने खड़ा है और यहाँ से नीचे उतरना भी काफी मुश्किल है। और बताना चाहूंगा मैं आपको कि अभी यहाँ उतरेंगे और जो अजगर बताया जा रहा है वो है उस ट्रेली के पास। वो जूम करके मैं आपको ये ट्रेली दिखाऊंगा, इसके नजदीक हम जाएंगे तो काफी बड़ा ये सांप, क्योंकि रसल वाइपर बहुत ही जहरीला होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। असंध हलचल आपका अपना न्यूज़ चैनल और यहाँ से उतना काफ़ी कठिन हो सकता है, चोट भी लग सकती है। मंजीत देखिए किस तरीके से मंजीत ओन ले भाई, और ये देखिए अरे 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 कमाल हो गया भाई। और रुको भाई, ओ तेरी ओ वजन ज़्यादा। तो अभी पहुंच गए हैं, वजन ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी स्पीड हो गई थी, ये तो चोट मरवाओगे भाई। अभी ऊपर भी तो चढ़ना है। ओ भाई मंजीत तू कुछ नहीं है, चोट मारेगा मेरे और कुछ को नहीं है, और रुक तो जा कड़ाई नहीं कहला, आज जाना था ब्याह में, अरे ये फिर आने लग रहे सांप पकड़वाने लग रहे। ओ मंजीत मैंने कौन लेके जाओगा? ओ भाई आजा आजा यार, मंजीत यूं क्यों कर रहा है? कोई बात नहीं आजा, कुछ तो पकड़ा यार, आइए रे ले ले यार, आज ये ऊपर ले जा मैंने, आइए ये चोट तो नहीं मारते। हाँ या ले ले वो ले ले, हाँ ले आ। रसल वाइपर है दोस्तों, अजगर जैसा है, आज तो मारेंगे भाई। अरे आ तो जा मैंने ले तो जा। ओ मंजीत राजा आज हाथ पकड़, अरे हाथ तो पकड़ ले दूसरे का, आज अच्छे फंसे भाई तारे के ला। अरे क्या रे भाई ले यो आ गया, ले कर ले बात, नहीं पता चढ़ जाएगा, वजन थोड़ा मेरे में, चल 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 खेचो, आ तो फंसा दिया भाई रसल भाई पर का चक्कर में, मार गए पत्रकार, बना दिया पत्रकार आज तो, मैंने जाना था भैया मैं ये पकड़ो। ओ तेरे पला, ओ हो हो। और दोस्तों हम आपको पहले देख, ओ ये दस बना रहे भाई, दिखाते हैं और बताते हैं भाई हमने कहां से सांप पकड़े। रसल भाई पर बताते हैं, आपने नीरज चोपड़ा का नाम सुना होगा ना, हमारे देश का नाम रोशन किया जिसने, बाला फेंका था, विश्व विजेता ओलंपिक में फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का गांव है खनरा गांव से पहले सांप पकड़ा था हमने दिवाली के दिन, जब मेरे पास व्हाट्सएप आया था खान मिस्त्री की दुकान से, जो खान मिस्त्री है उसकी दुकान से पहला सांप पकड़ा था रसलवाई पर, दूसरा सांप पकड़ा था सलवन से, तीसरा और चौथा सांप पकड़ा था हमने अम्बाड़ा से कुएं से। तो फोड़ दिया ना भाई, और दिखाया तो दे लो हाँ, अम्बाड़ा से एक और पकड़ा था। फिर देखिए जूम करके तस्वीरें दिखाएंगे, अजगर अजगर नहीं है जी, और ये तो मोटा भी बहुत है, मोटा गणा है भाई। सांप की ये खासियत है जी, ये सर्दियों में शीत समाधि नहीं लेता और जब काटता है तो सांप पकड़ने वाले सबसे ज्यादा इसी सांप से मरते हैं। थोड़ा पीछे हटियो भाई, ये जानकारी के लिए चीज है जी, क्योंकि ये सिट्टी की तरह आवाज निकालता है और अभी निकालेगा, और सांप पकड़ने वाले ज्यादातर इसी सांप से मरते हैं क्योंकि ये उछल के काट लेता है, अगर मैं यहाँ बैठूंगा तो हो सकता है ये माथे में भी काट ले। अच्छा जी, इसको कहते हैं भी माथे में डक मारने वाला सांप, ऐस बना लिया इसने, हाँ ऐस बना लिया, और अभी देखो सिट्टी की आवाज निकालेगा, हाँ सिट्टी देखियो,
ओह बजा कुकर भाई इसका तो तैयार हो गया, तैयार हो गया, तैयार हो गया। ओहो जबरदस्त, बहुत जहरीला सांप है जी। और सांप के दो दांत होते हैं जहरीले, लेकिन इसके चार दांत है जहरीले, दो एक साइड में इकट्ठे, दो एक साइड में दाएं बाएं। और चलिए खुले में ले लूं, खुले में ले लूं। और बहुत वाकई यादगार जैसा सांप है जी, देखिए किस तरीके से आवाज और बिल्कुल जी हाँ अजगर। अभी भी हमने 10 दिन पहले भी एक सांप पकड़ा था सोनीपत से आगे से, और लेकिन वो छोटा सांप था जी, और वो छोटा सांप था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं भाई, गौर से देख लियो, कई भाइयों को ये भ्रम ना हो जाए, कई भाइयों को ये भ्रम ना हो जाए, ये वही सांप है। आप इसकी लंबाई, इसकी मोटाई देख सकते हो, कितना बड़ा रसल वाइपर है। और बड़ा गाँव में एक, और एक बहुत बड़ी बात है भाई, यहाँ रसल वाइपर का मिलना। और वजह क्या है ये भी मैं आपको पहले बता दूं भाई, इसको यहाँ से पकड़ने की वजह क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ, आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ से ईंट उठा रहे थे। अरे वाह, ट्रॉली आपके सामने है, देखो तो कौन सा यार, इसे पकड़ ले यार, कोई बात नहीं, चलवावा के ये तो कुत्ते का। और वो मशीन भी दिखा दो जी, वो मशीन भी चल रही है। अरे मशीन यू भी तो चल रहा, मशीन तो चल रही, यू भी चल रहा। इसकी स्पीड कितनी होगी? उन भाइयों की स्पीड देखो, पहला तो जब ये नून मुंह पर है, उन भाइयों की स्पीड देखा तेरे। यो तो सोता है सोता है, सांप किसी को काट दे। देखो जी जानकारी के लिए भी चीज बता दूं, कदे तमाशा सोच रहे हो, लरे पूछ पाथ लगा लो, मनोकामना पूरी हो जाएगी। सुन मेरी बात, जानकारी के लिए अगर ये सांप किसी को काट जाए जी, जी अगर ये सांप किसी को काट जाए जो बंद नहीं लगाना होता जी, क्योंकि अगर इस सांप ने हाथ पे काट लिया, जैसे मेरी थैली पे काट लिया और इससे आगे मैंने यहाँ बंद लगा दिया, तो डॉक्टर को वो हिस्सा काटना पड़ेगा। अच्छा वो हिस्सा काटना पड़ेगा डॉक्टर को, अगर यहाँ इसने काट लिया और यहाँ मैंने बंद लगा दिया तो हिस्सा डॉक्टर को काटना पड़ेगा जी। ये जानकारी की चीज है जी, इसका इलाज बस एक ही है कि जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुँचे। अगर ये सांप किसी को काटे तो जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में पहुँचे। लंबाई देख सकते हो दोस्तों, बहुत बड़ा रसल वाइपर में बहुत बड़ा सांप है ये। अरे इसकी पूछ पाथ लगा लेगा, मनोकामना पूरी हो सकी करवाइयो ना। आज फोड़ गए भाई, ये देखो भाई, ये देखो बिल्कुल अजगर है भाई। मैं मुझे भी अभी खतरा है कि भाई कहीं उछल के मेरी टोंग से मेरे माथे की तरफ ना आवे। ये देखियो कितना बड़ा रसल वाइपर है। कितने समय के बाद मिला सतीश दोबारा? ये जी 10 दिन पहले भी पकड़ा था सोनीपत के पास गांव में। अच्छा, और वो छोटा था। हाँ। वो छोटा वाइपर था, लेकिन ये तो मोटा भी बहुत है। मोटा बहुत है ये, मोटा भी बहुत है और बड़ा भी बहुत है। रे तेरी रा। देखो जबरदस्त, ओ तेरी रे रे रे, पकड़ो इसने, यू क्या कर रहे छोटा भाई, मंजी तो डरता को नहीं गए। अच्छा अरे फड़ लो, और इतनी मजबूत है जी, ताकत ही इसी का हथियार है, ताकत में इतनी दूर उछलेगा थी ये काट देगा। ओहो, ये टोंग भी छोटी पड़ गई इसके आगे तो। ये देखो इन्हें बीच में ले ये बस डाल दू इसने ना, इन्हें नॉलेज भी दे दो थोड़ी सी। देगा यू, अरे ये और भी पाऊंगे ना, हम रोड़ा कर रहे थे। अच्छा भाई तू बचिए रहे मंजीत। ओ बस ये है, इसका जहर है ना न्यूरोटॉक्सिक नहीं होता, हीमोटॉक्सिक होता है। इसमें सांस की दिक्कत नहीं आती है, काट जाए तो कोबरा की तरह दिक्कत आती है भाई, खून का पानी बनना शुरू हो जाता है। और ये सांप काटे तो बस जितना जल्दी उठ के एंटीडोट लें, यानी कि जो सांप के जहर के इंजेक्शन है वो इसकी दवाई है। थोड़ा तेज बोलिएगा। ले भाई ये तो खतरनाक लेते हैं, लेकिन रसल वाइपर में आज तक का सबसे बड़ा मोटा, आज तक का सबसे बड़ा और मोटा सांप है ये। सतीश जिस प्रकार से वो है अपना, हाँ जी वो एक नाम में भूल गया इसने, देखा तो रसल वाइपर ना 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 वो कोबरा, वो तो सर्दियों में ठीक ठाक बैठ जाए, ये तो खतरनाक हो रहा है। ये सर्दियों में शीत समाधि नहीं लेते जी, ये पूरी पूरी साल एक्टिव है, और ये प्रजाति डायरेक्ट बच्चे देती है। अच्छा, ये प्रजाति अंडे नहीं देती, और 40 तक तो बच्चे हमने सुना है भाई, अम्बाला में एक घर में दे रखे थे 40 वाइपर मिले थे। और कई बार भाई ये कहते ना भाई ये हरियाणा में नहीं मिलता, रेडिया गांव में भी एक औरत को काट गया था कैथल जिले में, और उन्होंने फोटो भेजा था मेरे को वाइपर का, तुरंत फिर हॉस्पिटल पहुंचे थे जब डॉक्टर को मैंने बताया था भाई रसल वाइपर है। इधर तक ले लो जी साहब, इसकी सिट्टी सुनाइयो। हाँ जी पकड़ा था। और जानकारी के लिए एक बात और बता दूं भाई, बड़ा गांव से मेरे भाई एक फोन आया था मेरे पास भाई का, भाई दो सांप थे अजगर जैसे और उनके ऊपर छल्ले थे, एक तो मार दिया था एक भाग गया था, तो मुझे लगा यार कहीं फेंक ना हो, लेकिन आज बड़े में रसल वाइपर मिला तो मुझे यकीन हो गया भाई वो रसल वाइपर ही थे। ये तो त्यार है भाई। अच्छा मिट्टी के जैसे कर रंग है,
हाँ ये किसानों के साथ इसके हादसे बहुत हुए क्योंकि पता नहीं चलता ना, ये घरेलू सांप नहीं है, झाड़ीदार इलाके का सांप है ये, नागफणियों में झाड़ियों में बहुत मिला है। और ये यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो इनको दिख गया। देखिए बड़ा खतरनाक सांप और धीरे धीरे अंदर जाता हुआ और अभी इसको कैद कर लिया गया है। रसल वाइपर बड़ा ही खतरनाक ये सांप और बिल्कुल हिला कर रख दिया। तो मोटा भी बहुत है, मोटा भी बहुत है, आज तक का सबसे भारी रेस्क्यू हमारा रसल वाइपर का। और भाई किसने करा था फोन, किसने संभाल दे लोग तो उल्टा लिखा भाई, आज 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 कौन से भाई ने करा, आपने करा था? अरे आ जा यार, कौन से काम है अपना? मुनक है भाई, बंटी ने मारता फोन करा था, मुनक गांव से, आप ठेकेदार हो यहाँ? ना जी हम तो काम कर रहे हैं। अच्छा लेबर का उल्टा हल्ला क्या? हाँ ना ना कोई नहीं, चलो। तो दोस्तों यहाँ अभी भी देखो मशीन भी चल रही है और ईंटों की ट्राली भी भरी है और यहाँ से इन्होंने भाइयों ने भरी है और ईंट उठाते उठाते इनके आगे आ गया, बस शुक्र है नहीं काटा, बच गए हैं। ये सबसे बड़ी बात थी भाई, कोई हादसा नहीं हुआ। हमने तो एक बार इनको मना भी कर दिया था, फिर ये बोले असगर हैं ये, और भाई हम आपके पास फोटो भेजना, और जब मेरे पास फोटो आया तो मैं भी सामने गया, मैं यार ये तो रसलवाई पर, मैंने तुरंत कहा भैया अभी हमें ना 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, और तुरंत हम 20 मिनट में आ भी गए। हाँ जी, आपको सालोन से निकलते भी फोन कर दिया था। तो चलिए दोस्तों इसको अभी बांध लेते हैं और फिर थोड़ी देर बाद इसको जंगल में रिलीज कर देंगे। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से रसल वाइपर का रेस्क्यू यहाँ कर लिया गया है। असगर का अंदाज़ा लगाया गया था, काफ़ी मोटा और जहरीला ये सांप, तो इन तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें आसन हलचल हरियाणा के साथ।